Hi friends, this is Divyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. इस वीडियो में मैं आपको एल्युमिनियम के बर्तन और कुकर साफ़ करना बताऊंगी। आप इसी प्रोसेस से एल्युमिनियम के और भी बर्तन जैसे भगोने हैं, कढ़ाई हैं, वो साफ़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कुकर मैं आज साफ़ करूंगी। ये देखिए, अंदर से काफ़ी जला हुआ है और ये इसका बैक पोर्शन भी काफ़ी जला हुआ है और बहुत ही ऑयली है। इसको साफ़ करने के लिए हमें चाहिए विनेगर। आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, या आप दोनों मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा चाहिए, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी डिटर्जेंट सोप चाहिए जो आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। मैं प्रिल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर जो भी बर्तन है, मैं चूँकि कुकर धो रही हूँ तो कुकर को इस तरह से गर्म करेंगे, या आप कढ़ाई है तो कढ़ाई को गर्म कर सकते हैं, भगोने हैं तो इसे गर्म कर सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से गर्म करेंगे और ये काफ़ी गर्म हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा गर्म रहना चाहिए। और इसमें हम विनेगर डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून विनेगर डालना है। और फिर इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, 2 टेबल स्पून। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, आप डायरेक्ट नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब बेकिंग सोडा डालेंगे, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। 2 से 3 टेबल स्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको कुकर के सारे पोर्शन में लगाएंगे। अगर आप कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके सारे पोर्शन में लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि पूरा एरिया कवर कर ले। स्टील का स्क्रब लेना है इस तरह का, और इसको अच्छी तरह से हम रब करेंगे, रगड़ेंगे, और कुकर के सारे पोर्शन में लगा के रखना है। कभी कभी आप जैसे कुकर में आलू बॉयल करते हैं तो थोड़ा सा कुकर का कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बॉयल पानी करते हैं तो कुकर का कलर चेंज हो जाता है, तो इट इज़ द बेस्ट मेथड। आपका वो जो दाग है कुकर का या एल्युमिनियम के बर्तन में जो गर्म पानी से दाग लग जाता है, वो एकदम साफ़ हो जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी नींबू और डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम नमक डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ करना है, और फिर इसको स्टील स्क्रबर से इस तरह से रगड़ेंगे। और ये काफ़ी देखिए साफ़ हो गया है, साइन करने लगा है कुकर, और इसको पानी से धो देंगे। और अब हम कुकर का बैक पोर्शन साफ़ करेंगे, और इसके लिए हम फिर से गैस ऑन करेंगे और कुकर का बैक साइड गर्म करेंगे। ये देखिए, बैक पोर्शन गर्म हो गया है, और इसके लिए हम एक बाउल में बेकिंग सोडा लेंगे, नींबू का रस लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, और विनेगर लेंगे 1 टेबल स्पून, और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, और एक नॉर्मल स्क्रबर जो प्लास्टिक का होता है उसको इसमें डिप करेंगे और ये कुकर के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से छूट रहा है। जब भी कोई बर्तन ऑयल्स का जला हुआ होता है या ऑयल से जला हुआ दाग होता है, तो उसको हमेशा गर्म करके ही साफ़ करना चाहिए, तो वो आसानी से छूट जाता है। चाहे आप नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके जो बैक पोर्शन है उसमें तेल से जला हुआ है, तो हमेशा उसको गर्म करके ही साफ़ करना चाहिए स्क्रबर से। और ये मैं स्टील का स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, कुकर काफ़ी साफ़ हो गया है। अगर साफ़ नहीं होता है तो आप इस तरह से सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इससे भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है और ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे लोहे की कढ़ाई है,
का बैक पोर्शन है, कुकर है, अगर आसानी से नहीं छूट रहा है तो आप सैंड पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं, ये वॉल को घिसने के लिए यूज़। और फिर फाइनली हम कोई भी बर्तन धोने का साबुन लेंगे और कुकर को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। और ये देखिए कुकर काफ़ी साफ़ हो गया है और इसको फिर पानी से धो देंगे अच्छी तरह से। अब हम कुकर का ढक्कन साफ़ करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम रबड़ और उसकी सीटी निकाल देंगे ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और फिर हमने जो मिक्सचर तैयार किया था, विनेगर, नमक, बेकिंग सोडा और नींबू का रस का, उसको हम टूथब्रश की हेल्प से इस तरह से लगाएंगे, पूरे ढक्कन पे स्प्रेड करेंगे और रगड़ेंगे अच्छी तरह से, रब करेंगे। जो कुकर के ढक्कन पे कॉर्नर्स होते हैं उनके लिए हमेशा हमें टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे साफ़ करेंगे तो वहाँ पे वो गंदा नहीं होता है, वहाँ पे गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। और सीटी को भी हम खोल के अच्छी तरह से साफ़ करेंगे क्योंकि सीटी साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। सीटी में अक्सर चावल और कुछ फंस जाता है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कुकर के ढक्कन के इस पोर्शन को साफ़ करने के लिए मैं सैंड पेपर यूज़ कर रही हूँ और इसको थोड़ा तिकोना कर लेंगे ताकि कॉर्नर पे अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। यहाँ पे बहुत ही ब्लैक ऑयली स्पॉट्स हैं। और इस तरह कुकर को पानी से धो लेंगे ढक्कन को भी। और ये देखिए कुकर एकदम शाइन कर रहा है और अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और ये था कुकर को साफ़ करने का आसान तरीका, मेरी एक सब्सक्राइबर स्वस्तिका ने रिक्वेस्ट करी थी इसके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें यहाँ पर और बगल में बेल आइकन को क्लिक करें, ये जो घंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।